न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अभी कार्यक्रम शुरू करते हैं, हम कुछ गाने हमारे साथ ही गाएंगे। महेंद्र भार्गव आपको गाइए, और भी साथियों को और जोड़ता है तो जोड़ दे। और ये गीत तो सभी के जाने पहचाने हैं, तो वहां से भी कंपनी कर सकते हैं साथ में। जो पहला गीत है वो हम लोग दो भाषाओं में है, क्योंकि कुछ लोग अनजान भी हैं इन गीतों से, तो इसलिए बता रहे हैं। मूलतः ये गीत तेलुगु में लिखा गया है और जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है, तो दोनों वर्जन आपके सामने है। उठाओ उठाओ बगावत का झंडा, नव समाज के लिए आंदोलन का झंडा, आंदोलन का झंडा। उठाओ उठाओ बगावत का झंडा, नव समाज के लिए आंदोलन का झंडा, आंदोलन का झंडा। अमीबा से लेकर आदिमानव तक बहती नदी का विकास का है क्रम चला, विकास का है क्रम चला, विकास का है क्रम चला। अपनी आविष्कार से सभ्यता का रथ बढ़ा, मानव समाज पहली बार वर्गों में ढला, समाज वर्गों में ढला, समाज वर्गों में ढला। एक का अस्तित्व दूसरे पर खतरा बना, एक का अस्तित्व दूसरे पर खतरा बना, इसी टकराव में समाज गरजता चला। यंतरा तिलुगु बाटु झंडा, नव समाज नाने को लघु कोराट कुजंडा, कोराट कुजंडा। పరిణామ క్రమము సాగ పారుతున్న నదిలాగా, పారుతున్న నదిలాగా, పారుతున్న నదిలాగా। నిప్పు పుట్టి నాగరికత మొదటి మెట్టు నెక్కెర, నరజాతి తొలిసారి వర్గాలు గచీలరా, వర్గాలు గచీలరా, వర్గాలు గచీలరా। ఒకదానికి తెలుగుబాటు మరోదాని తిరుగుబాటు, ఘర్షణలో సమాజమే గట్టిస్తూ సాగరా। ఉఠాఓ ఉఠాఓ బగావత్ కా ఝండా, నవ సమాజ్ కే లియే ఆందోళన్ కా ఝండా, ఆందోళన్ కా ఝండా। జంజీరే తోడా జబ్ స్టార్ట్ కస్ బాహుబలి, గులామో కే మాలికో కే దిల్ మే మచీ ఖల్బలీ, गुलामों को हौसला मिला हजार वाक से, ब्राह्मण वादी किले पर कड़कती बिजली गिरी, कड़कती बिजली गिरी, कड़कती बिजली गिरी। कब तक झुकोगे ये आवाज गूंजती, कब तक झुकोगे ये आवाज गूंजती। చలా తిరుగుబాటు చెందా, నవ సమాజ నాన్ని కొరకు
బాకులో దించిరి తిరి బాకులో రంగు బాటు జన్నాలని కంగు మన్న కంటారు రంగు బాటు జన్నాలని కంగు మన్న కంటారు नफरत की आग में गुरबा ब्रुनो गैलीलियो अमंत्री राजतंत्र का समूल नाश करने को निकले जन तूफान के साथ गैरी बाल्टी में जिनी पूंजीवाद का रहस्य खोला एंगल्स मार्क्स ने दुनिया का मजदूर लाल झंडा ले निकल पड़ा तिलक बाटो झंडा नव समाज गांधी को रख पोराट पुजंडा पोराट पुजंडा मत चीकनि वृक्षालनु मोदलंटु नरक बोनि द्वेषाग्नि आगुतैन गलीलियो पूनोनु చరమ గీత గాయకులు ప్రజా పోరు నాయకులు గారి బాడి మ్యాజినీలు గారి బాడి మ్యాజినీలు గారి బాడి మ్యాజినీలు పెట్టుబడుల గుట్టిప్పిన వాసే స్మరణీయులు పెట్టుబడుల గుట్టిప్పిన వాసే స్మరణీయులు సకల దేశ శ్రామికులు ఎత్తి రఘున పతాకాలు राजगुरु आजाद भगत सिंह ने जान मार दी जान अपनी मार दी जान अपनी मार दी धनुष की कंकार से आसमान को चीर कर अल्लूर ने जंग की बिजलियां उतार दी बिजलियां उतार दी बिजलियां उतार दी सामंती थोबड़े पे थप्पड़ मन तेलंगाना सामंती तो बड़े पे थप्पड़ मन तेलंगाना किसानों को मुक्ति का मार्ग दिखाता गया इतरा दिल को बाटो झंडा नव समाज गांधी को रख पोराट को झंडा पोराट को झंडा मातृ देश मुक्ति गोरी गोविंदी लगन फेरी आजाद राजगुरु भगत सिंह పణికించిన మన్యమంధకారంలో తెలిసిన మన అల్లూరి తెలిసిన మన అల్లూరి తెలిసిన మన అల్లూరి దొరతనాల నిలదీసి గెదిమి నట్టి తెలంగాణ దొరతనాల నిలదీసి గెదిమి నట్టి తెలంగాణ మేటితులకు దాడితులకు చూపించను పోను దారి ఎంతరా తెలుగు బాటు జెండా నవ సమాజ గాంధీ కొరకు పోరాటపు జెండా పోరాటపు జెండా ఓ కావో బగావత్ కా జెండా నవ సమాజ కే లియే ఆందోళన కా జెండా ఆందోళన కా జెండా ఆందోళన కా జెండా कौन सा है तो फिर कैसे जाएंगे एक दूसरा गीत है वो भी दो भाषाओं में ये किसका मुल्क है रे ये भी तेलुगु से है
वैसे सभी लोग आते हैं दोनों लोग वहां से ज्यादा जोर देना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ लोग यहाँ आ जाए तो कम से कम हम लोगों को हौसला मिलेगा। ये किसका मुल्क है रे, ये अपना मुल्क है रे, ये किसका मुल्क है रे, ये अपना मुल्क है रे, खेतों को जोतने वाले का, नीलों में कटने वाले का, खेतों को जोतने वाले का, नीलों में कटने वाले का, खेतों को जोतने वाले का, नीलों में कटने वाले का, खेतों को जोतने वाले का, नीलों में कटने वाले का, हाथ की ताकत जिसका सब कुछ, हाथ की ताकत जिसका सब कुछ, सर्वहार का है ये रे, सर्वहार का है ये रे, ये देशम यवन दिला, ये देशम मन देला, ये देशम यवन दिला, ये देशम मन देला, दुक्कुल तुम दिन नहीं तुदी, मुक्कलु नाटी न कूलिदी, మొక్కలు నాటిన కూలిది రెక్కలు తప్ప ఆకులు లేని, రెక్కలు తప్ప ఆకులు లేని, కార్మికులది కార్మికులది, కార్మికులది కార్మికులది, కిస్కా ముల్క్ హరే, కిస్కా ముల్క్ హరే, కిస్కా ముల్క్ హరే, అప్నా ముల్క్ హరే, शासक बदले शासन बदला, पर जीवन बदला कहाँ, पर जीवन बदला कहाँ, पर जीवन बदला कहाँ, भेड़ियों के दरबार में बकरी को है इंसान कहाँ, बकरी को है इंसान कहाँ, बकरी को है इंसान कहाँ, बिना लड़े अपने जीवन में, बिना लड़े अपने जीवन में, अब तो कोई चारा न रे, अब तो कोई चारा न रे, देशम यवड़ी दिला, देशम मन देरा, देशम यवड़ी दिला, देशम मन देरा, राजुल मारिन मंगुल मारिन मारले नी बदुकुरा, मारले नी बदुकुरा, मारले नी बदुकुरा, पुले पिल्ले पुड़ मेक पिल्लकु न्यायम चे यदु कम्मुडा, न्यायम चे यदु कम्मुडा, न्यायम चे यदु कम्मुडा, अरे पोरु दप्पनी बदुकु तेरुकु, पोरु दप्पनी बदुकु तेरुकु, पोरु दप्पनी बदुकु तेरुकु, दारिले ये किसका मुल्क है, ये अपना मुल्क है, पढ़ लिख ज्ञानी हो के भी बैठा क्यों बेकार रे, बैठा क्यों बेकार रे, बैठा क्यों बेकार रे, दहेज का फंदा डाल गले में रोज रोज क्यों मरना रे, रोज रोज क्यों मरना रे, रोज रोज क्यों मरना रे, अपने सारे दुखों का कारण, अपने सारे दुखों का कारण, अपने सारे दुखों का कारण, आदम खोर ये राज रे, पूंजी का ये राज रे, आदम खोर ये राज रे, पूंजी वाले राज रे, देशम यवड़ी दिला, देशम मन देरा, देशम यवड़ी दिला, देशम मन देरा, चलो संजलो चलो लुम्मा, गुलुलु दोरकनी तम्मुडा, गुलुलु दोर
దుక్కులు నాటిన కూలిది దుక్కులు దున్నిన రైతుది మొక్కలు నాటిన కూలిది రెక్కలు తప్ప ఆతులు లేని రెక్కలు తప్ప ఆతులు లేని కార్మికులది 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 साथियों, अब हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं पहले थोड़ा न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव का एक परिचय दे दूं। ये एक प्रक्रिया के तौर पे शुरू हुआ था, न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव 2004 में, और हम देश भर के कुछ साथी मार्क्सवाद को केंद्र में रखते हुए किस तरह का आज का 21वीं सदी में जो वास्तविकताएं हैं हमारे देश में और आसपास, उसको कैसे मार्क्सवादी संदर्भ में समझा जाए, ये कोशिश उसके तहत हम एक प्रक्रिया में स्टडी सर्कल्स के द्वारा कर रहे थे। और अभी 2 साल पहले हमने इसका एक मंच बना के लॉन्च किया है नेशनल लेवल पर, न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव के नाम से। और ये मंच में जो भी मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास करते हो या जिनको इंटरेस्ट हो, वो सभी आपका यह है। तो ये खुला मंच है, इस एक तरह से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ये, और इसमें सोचने समझने का काम करते हैं। अभी भी वही काम हमारा चालू है। तो ये एक छोटा सा परिचय है। बाहर एक घोषणा पत्र जो हमने हमारा जब मंच लॉन्च किया था, तो अभी घोषणा पत्र हमने निकाला है, वो गुजराती में भी अवेलेबल है, हिंदी अंग्रेजी में भी है, ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव की जो समझ है उसके बारे में आप थोड़े स्पष्ट हो पाएंगे। तो हम आज का जो कार्यक्रम है उसके लिए मैं पहले तो हमारे साथी डॉक्टर संतू को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अध्यक्ष पद संभाल लें। और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता है कॉमरेड सुभाष कातारे, सुभाष के नाम से यहां अहमदाबाद गुजरात में बहुत ज्यादा लोग परिचित हैं, बहुत कम लोग नहीं हैं, क्योंकि अखबारों में भी बार बार उसके आर्टिकल ट्रांसलेट होकर आते हैं और दलित अधिकार और ऐसे मैगजीन्स में भी बार बार वो लोग ट्रांसलेट करके सुभाष काफी लिखते हैं। दलितों और हिंदुत्व के ऊपर उनका बहुत सालों से बहुत गहरा काम रहा है। अब तो काफी किताबें हो गई है, तो मुझे भी लिख याद नहीं है सुभाष ने कितनी किताबें निकाली है, लेकिन काफी लिखते रहते हैं वो। और ये जो न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव है उसके नेशनल कन्वीनर भी है हमारे। वो आज नव उदारवाद का दौर जो चल रहा है अभी, उसमें हिंदुत्व की क्या स्थिति है, क्या परिचय है उसका, और किस तरह का चेहरा हमारे सामने हिंदुत्व का आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। कांग्रेस सुभाष तीन दशक पुरानी संघर्ष के साथ ही कांग्रेस सबू ग्रुप भाई ईश्वर भाई और तमाम दोस्तों, इतफाक ऐसा है कि पिछली बार जब कोई बैठक हुई थी तो उसी मंत्र पर चंद बातें मैंने रखी थी, बहुत नाकाफी बातें थी और मैं समझने की उसको कोशिश कर रहा था, और आज हम लोग उसी मंत्र पर बात कर रहे हैं। आप अपनों के बीच बात करना एक सुकून होता है, कई बार सुकून ये होता है कि कुछ बहुत विपरीत किस्म के प्रश्न नहीं आएंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा उलझन, अजीब उलझन का सामना कर रहा हूं।
उलझन ये है कि जो जैसा मैंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही कुछ माह पहले भी हम लोगों ने इसी विषय पर बात की थी, जो विषय जो विचार गोष्ठी का विषय है, तो मैं अंदाज लगाता हूं कि यहां पर जो नौजवान साथी एकत्रित हैं, मेरे ख्याल से अपने जन्म के उनके जन्म के समय से ही जब बाबरी मस्जिद टूट रही थी और नए आर्थिक सुधारों का शुरुआत टैक हो रहा था, तो अभिमन्यु की तरह उन्होंने इन दो शब्दों को लगातार सुना है, नवउदारवाद और हिंदुत्व के शब्दों को लगातार सुना है। तो और इतनी सारी बातें लगातार होती रहती हैं, तो इस वजह से मैं उलझन में हूं कि नया क्या बात करूंगा। तो मैंने थोड़ा इस गोष्ठी की संभावित एकरसता को तोड़ने के लिए थोड़ा सोचा कि थोड़ी रवायत तोड़ो, मतलब अगर आप बातचीत की शुरुआत जब करते हैं तो विषय की प्रस्तावना करते हैं और धीरे धीरे निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। मैंने सोचा कि निष्कर्ष से शुरू करो, तो ये जो पूरा नवउदारवाद के दौर में हिंदुत्व का ये है कि हम, मैं समझता हूं कि ऐसा दौर है हम सब लोगों के लिए जिसमें हमें मुखालिफत में खड़े होना है, चाहे नवउदारवाद हो चाहे हिंदुत्व का सवाल हो, हमें मुखालिफत में खड़ा होना है। और इतिहास में ऐसे दौर कई बार आते हैं जब चंद लोगों को, गिने चुने लोगों को हवाओं के खिलाफ उल्टी दिशा में खड़ा होना पड़ता है और धीरे धीरे समाज को नई दिशा, नई गलत दिशा में ले जाने का वो काम करते हैं। तो मैं इसी के निष्कर्ष से शुरू कर रहा हूं, और जब मैं बात शुरू कर रहा हूं मुझे बस मार्टिन लूथर किंग का वो पत्र याद आ रहा है, बल्कि बर्मिंगहम जेल से उन्होंने पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सवाल पूछा, जो सवाल पड़ा उन्होंने कहा था कि वो अगर आप हिटलर के जर्मनी में आज रह रहे होते तो क्या क्या करते, और वे साफ कहते हैं कि ऐसे वक्त आते हैं जब गैर कानूनी होना ही न्याय की आवाज सुनना होता है, वो उनका कोट बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमें यह बात कभी भूलनी नहीं चाहिए कि अडॉल्फ हिटलर ने जर्मनी में जो कुछ किया वह कानूनी था, और हंगेरी में स्वतंत्रता सेनानी जो कुछ कर रहे थे वो गैर कानूनी था। हिटलर के जर्मनी में एक यहूदी की मदद करना, उसे सहायता प्रदान करना गैर कानूनी था। इसके बावजूद मैं इस पर पूरी यकीन हूं कि अगर उस वक्त मैं जर्मनी में रह रहा होता तो मैंने अपने यहूदी भाइयों की मदद की होती। आप में से कुछ लोग मार्टिन लूथर किंग के हवाले से जो हिटलर का हवाला दिया जा रहा है उसे ना इंतफा कर सकते, आप कह सकते हैं कि बार बार आप जो बात कह रहे हैं जनतंत्र की बुनियादी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। 31% लोगों ने जो निजाम बनाया है उसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि आप बार बार परोक्ष अपरोक्ष रूप से 2002 की याद क्यों दिलाते रहते हैं, क्यों बार बार आप किसी न किसी रूप में बताना चाहते हैं कि 2002 में एक बड़ा गुजराती भाषा में धमाल कहा जाता है, जनसंहार हुआ था, जीनोसाइड हुआ था, कारने जब जो भी लफ्ज इस्तेमाल करना चाहे हुआ था। ये 2015 आप लोग कह सकते हैं कि आप इसे पूछ चुके 2015 है जनाब और आपकी सुई वहीं अटकी हुई है, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोगों को विश्वमूल है, हम लोगों को वहां पर आगे बढ़ना चाहिए। आखिर जब लहू के सुराग भी हम बचे न हो तो उन तमाम खौफनाक दिनों के बारे में याद करने से भी क्या फायदा, अपने इतिहास के उस दौर को याद करना जब आप बस बेबसी, आपके आपको लगातार बेबसी आप महसूस हुआ, आप क्यों याद करना चाहते। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने फौरी तौर पर 2002 के बारे में मौन ओढ़ लिया, जिस तरह से मैं 1992 के बारे में भी मैंने मौन ओढ़ लिया, जब एक प्रार्थना स्थल का विध्वंस किया गया था संगठित रूप में, 500 साल पुराने प्रार्थना स्थल बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था और देश के पैमाने पर जनसंहार का आयोजन किया गया था, इसमें हजारों लोग मारे गए, आजादी के बाद बहुत बड़ा सबसे बड़ा जन आंदोलन कहा गया था। मैंने 1992 के बारे में भी मौन ओढ़ लिया, मैंने 1984 के बारे में भी मौन ओढ़ लिया, मैंने 1983 के बारे में भी, दिल्ली के कतलेआम के बाद 2500 लोग
कुछ घंटों के अंदर मार दिए गए थे आसाम की जगह दिल्ली में 1883 की बात है। या मैंने 1969 में 1969 का जो किसेवल में नहीं कर ले आप हुआ जिसमें 42 लोग मारे गए, 42 दलित मजदूर मारे गए, कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में वहां पर आंदोलन चला था और गांव के गोस्वामी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने बाकी लोग भाग गए थे, वो बच्चे और महिलाओं को एक कमरे में बैठे थे, वो बंद किए थे अपने आप को और उन्होंने घेर करके जला दिया था। और इस देश न्यायपालिका ने उन हत्यारों को बाइदत बरी किया, हत्यारों को बाइदत बरी करने के पीछे अदालत का कहना था कि इस बात का तो यकीन नहीं किया जा सकता कि ऊंची जाति के लोग पैदल उस वक्त तक गए, लिहाजा उन लोग बाइदत बरी गए। तो मैंने 2002 के बारे में, किसेवनमंदी के बारे में, तमाम कतलेआमों के बारे में जो आजाद हिंदुस्तान में हुए हैं, मैंने चुप्पी ओढ़ ली। और मैं इस सबक को अपने बियाबान होने के लिए आंखों में मैंने ग्रहण किया था। दुनिया का एक सबसे बड़ा जनतंत्र कहलाता है, इसमें किस तरह से हिंसाचारों को अंजाम देकर के लोग लाभान्वित होते रहते हैं, सत्ता के गलियारों में पहुंच जाते हैं, वजीर आजम भी बन सकते हैं। मैंने इन चीजों के बारे में पॉल आर ग्राफसन के विद्वान हैं जिन्होंने बहुत भारत में जो दंगे किए जाते उसके बारे में कहा है कि हम लोगों यहां पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड राइट सिस्टम्स विकसित हुई, संस्थाबद्ध दंगा प्रणाली इस मुल्क में विकसित हुई है, दंगा कभी भी कराया जा सकता। मेरे बहुत प्रिय कवि गौरव पांडे की दो लाइनें, इस साल दंगा बहुत हुई है खून की बारिश और अगले साल अच्छी फसल होगी मतदान। इसके पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, मैं एक बात अवश्य नोट करना चाहता हूं। इंसाफ का यह तकाजा है, इंसानियत का यह तकाजा है कि ऐसे सभी मामलों में न्याय होते रहे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो नरसों। ये तमाम लोग, वो तमाम संगठन, वो तमाम तंजीमें जिन्होंने जनता का मासूम का खून बहाया था, उनके साथ इंसाफ जरूर किया जाएगा। ये मैं जब मौन मोड़ रहा हूं तो इसका मतलब इस गफलत में नहीं हूं कि आप अमन की बात करके आप मुआवजा टुकड़े फेंक करके आप कह सकते हैं कि अब न्याय के सवाल को मुलतवी कर दिया जाए। हम और मैं मानता हूं कि हम भले इस लड़ाई में हार जाए, हमारी पीढ़ी खत्म हो जाए, लेकिन उस सवाल कभी दबेगा नहीं। हम अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को देख सकते हैं। बांग्लादेश में 1945 साल पहले 1971 में पाकिस्तान की आर्मी ने वहां के इस्लामिस्टों के साथ बहुत बड़े कत्लेआम का आयोजन किया था, हजारों लोग मारे गए थे और आज वहां पर मुकदमे चल रहे हैं, अदालत में मुकदमे चल रहे हैं 45 साल बाद, और तमाम लोगों को सजाएं हुई है, उन तमाम सारे हत्यारों को सजाएं मौत मिली है। हम और आप सब सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं कि सजाएं मौत देना कितना उचित है, लेकिन 45 साल तक बांग्लादेशी आवाम ने उस साथ जो मानवता के साथ जो अत्याचार हुआ था उसको याद रखा है और हमें भी याद रहे। आर्मेनिया, तुर्की का एक इलाका है आर्मेनिया, वहां पर आज ठीक 100 साल पहले 1915 में बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था, कुछ महीनों के अंदर लाखों आर्मेनियाओं को मार दिया गया। आज भी आर्मेनिया के लोग, वहां के लोग उस जनसंहार को भूले नहीं, उसको याद रखे हुए और आज भी उस सवाल को जिंदा रखे हुए, तो हम भी इन सारे जनसंहारों को याद रखें। फिलहाल इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि हम और वे की जो सियासत दक्षिण एशिया के हिस्से में खूब रंग जमाई हुई है, तो और कितने मासूमों को खून दे रही है। दक्षिण एशिया के हिस्से के बनने की कहानी भी दिलचस्प है। बचपन से हम यही सुनते आए थे कि धरती के हिस्से में तमाम जगह जगह के बाशिंदे आते रहे। सिराग गोरखपुरी का एक मशहूर शेर है, दो लाइनें बहुत अच्छी है, सर जमीने हिंद पर अकवाम आलम का फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। मगर अब जबकि आजाद भारत को 70 साल हो गए, हिंदुस्तान बन गया और आजाद 70 साल हो गए, अब हमें एक नया इतिहास पढ़ाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि आप कहां, कौन यहां का रहने वाला है, कौन यहां का नहीं, किसको कहां जाना चाहिए, किसको कहां नहीं जाना चाहिए, आप किसको दोस्त मान सकते हैं, किसके साथ
शोषणी कर सकते हैं, किस क्या खा सकते हैं, सारा चीज आपको बार बार आपको पूछा जा रहा है। अगर आप कहा जा रहा है कि आपको वजीर आजम, अगर आपको वजीर आजम के तौर पर जनाब मोदी मंजूर है तो पाकिस्तान चले जाइए, आप भविष्य दिनों पर मीट का सेवन करना चाहते हैं पाकिस्तान चले जाइए, आप लवदिहाद के नाम पर फैलाए जा रहे विवेश का विरोध करते तो पाकिस्तान चले जाइए। तमाम सारी हिंदुस्तान की तमाम अजीब शख्सियतों को, युवा आनंद मूर्ति तमाम लोगों को यही बात चला दी गई। अब मैं जब अब हमारे जनाब मोदी पाकिस्तान से गलबैया कर रहे हैं और आजकल बड़े गले मिल रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मोदी जी के भक्तों को नए वो नया आप लोग ढूंढना चाहिए कि कहाँ कहाँ भेजा जाए ऐसे लोगों को जो उनके विचारों से तफाक नहीं करते। तो ये मुझे लगता है कि जो बात पूरी मुल्क में बताई फैलाई जा रही है कि वो मतलब रिपब्लिकन पार्टी का जो अमरीका में चुनाव होने जा रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी का जो प्रत्याशी है ट्रंप तरह तरह की बातें वो करता रहता है जिसमें उसने काफी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। तो ये बातें हमारे मुल्क में जो जिस तरह का विमर्श खड़ा किया जा रहा है कि तरीके रूप में वो यही बात कहीं फैलाई जा रही है। व्यक्ति की स्वायत्तता का सवाल लगातार हाशिए पे डाला जा रहा है। आप अपने निजी जिंदगी से जुड़े निर्णय भी आप वो किसी को सौंपे जा रहे हैं, ये हमें बार बार कहा जा रहा है। 21वीं सदी हमें जाना है और 21वीं सदी भारत की सदी होगी, ये बार बार ऐलान किया जाता है। जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है हम अंदाजा रख सकते कि किस तरह की 21वीं सदी होगी, किस तरह का उसका चक्र सूरत होगी। आज से लगभग 90 साल पहले बर्टर्ड रसेल जो बहुत बड़े महान दार्शनिक थे और गणितज्ञ भी थे, उन्होंने एक बहुत मशहूर व्याख्यान दिया था नेशनल सेक्युलर सोसाइटी में। उनको उनके व्याख्यान का शीर्षक था, उन्होंने कहा था व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, मैं ईसाई क्यों नहीं। उसकी चंद लाइनें आपको जरूर साझा करना चाहूंगा। हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं और दुनिया उनकी भाषण का अंत ही वहां हुआ। हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं और दुनिया जैसी है उसे देखना चाहते हैं, दुनिया को उसी तरह देखना चाहते हैं, उसे डरना नहीं चाहते। हम उसे निष्पन्न आतंक से दब कर नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से दुनिया को जीतना चाहते हैं। एक बेहतर दुनिया के लिए ज्ञान, दयालु भाव और साहस की जरूरत है। अपने अतीत की ओर पश्चाताप भरे अंदाज में लालायित होने या अज्ञानी लोगों द्वारा सदियों पहले उच्चारे गए शब्दों के जरिए मुक्त बुद्धिमत्ता के को जंजीरों में जकड़ने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक निर्भीक नजरिया और मुक्त चिंतन की आवश्यकता है। उसके लिए भविष्य के प्रति उम्मीद की जरूरत है, न ऐसे अतीत की ओर झांकते हुए रहना है जो समाप्त हो चुका है। ये सही बात है कि वो अपने भाषण में धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए कि ऐसी तमाम तंजीमें और संगठन जो खास धर्म को अपना प्रस्थान बिंदु मान के चलती वो और उनसे जो असहमत है उसके बारे में क्या रवैया अपनाया जाना चाहिए उसके बारे में बात। तो ये इस तकरीर में बर्टन रसेल साहब की तस्वीर में तकरीर में व्याख्यान में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि हम लोग उस पर गौर कर सकते हैं। दक्षिण एशिया का हिस्सा जहां जब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं बहुसंख्यकवाद का उभार दिखता है। हिंदुस्तान में तो जनाब नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, लेकिन पूरे दक्षिण एशिया के अधिकार डाले हम लोग। पिछली बार जब हम लोग पचमढ़ी में इसी तरह की मीटिंग कर रहे थे मैंने बात रखी थी कि किसी काल्पनिक यात्रा में निकला जाए पचमढ़ी, अगर हम बर्मा से निकलते तो बर्मा में आज की तारीख में जो ऐसे लोग ऐसी ताकतें हावी हो रही बहुत उग्रवादी ताकतें हावी होती दिख रही। आप बांग्लादेश में आइए, बांग्लादेश में इस्लामिक ताकतें हावी होने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में भी हम देखते हैं क्या आलम है। श्रीलंका में भी बहुत उग्रवादी ताकतें हावी होने की कोशिश है। तो पूरे दक्षिण एशिया का जो परिदृश्य है बहुत चिंताजनक परिदृश्य है और ऐसे में हम लोग इस मसले पर बात कर रहे हैं। और ये इसी संदर्भ में बहुत लगता है जैसे जो आज जो सवाल जिस सवाल से हम रूम उसी दिन के सवालों से वहां पर भी लोग दक्षिण एशिया के बाकी हिस्सों में भी लोग रूबरू हैं। उनको अपने बारे में तय करना है कि राजनीति और धर्म का जो खतरनाक कॉकटेल बनाया जा रहा है बांग्लादेश में बनाया जा रहा है, पाकिस्तान में, श्रीलंका में बनाया जा रहा है, उसके बारे में कैसे उनका अपना रिश्ता क्या है ये उन्हें तय करना है। रसेल अपने भाषण को कई हिस्सों में बांटते हैं। वो शुरू करते हैं कि ईसाई कौन है,
इसकी परिभाषा से, फिर ईश्वर के अस्तित्व से बात करते हैं और चर्च ने किस तरह प्रगति को बाधित किया उसकी बात करते हैं और धर्म का आधार किस तरह डर है इसकी तमाम पहलुओं पर बात करते हैं। अंत में वे लिखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसका जिसका हिस्सा मैंने ये किया, मैं शुरुआत आपको बताया। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं निष्कर्ष से शुरू कर रहा हूं, तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं बैठा डरते ने अपने ढंग से ईसाई धर्म और क्यों नास्तिक है उसके बारे में बात की कि मैं इस हुकूमत के खिलाफ, इस निजाम के खिलाफ मैं क्यों खड़ा हूं, इसके बारे में मेरे क्या सवाल है। मैं चंद सवाल जो मेरे मन में उमड़ रहे हैं और इनको थोड़ा बहुत मैं लिखने की कोशिश है वो आपके साथ साझा करना चाहूंगा। मेरा जो पहला मसला है कि भाई मौजूदा निजाम से मेरी सबसे बड़ी परेशानी जो है स्वतंत्र विचार पर लगातार जो बंदिशें लगाई जा रही है। तीन लोगों की शहादत हो चुकी, तीन बुद्धिजीवी होगी, एक लोग कांग्रेस के जमाने में मारे गए डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर और दो इस हुकूमत में मारे गए, कॉमरेड गोविंद पानसरे कोल्हापुर में मारे गए और उसी अंदाज में कलबुर्गी प्रोफेसर कलबुर्गी मारे गए और मारने का तरीका ही जैसा ही। और आप जानते हैं कि कौन लोग उनके पीछे थे, कौन मारने वाले कौन पीछे थे। सनातन संस्थान से संगठन के हाथ दिख रहा है जो आध्यात्मिक की बात करता है, स्पिरिचुअलिज्म की बात करता है, लेकिन आतंक फैलाने के लिए उनके, अगर आप किताबों को पढ़ेंगे वो किताबें उपलब्ध हैं, वो उसके 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 लोग पकड़े गए उसके पीछे। और ये इस माहौल को बताइए, जैसे प्रोफेसर कलबुर्गी मारे गए उसके बाद तत्काल बाद बजरेंद्र के व्यक्ति ने ट्वीट किया कि अगला निशाना कौन है, केस भगवान नाम के व्यक्ति है। वो केस भगवान का क्या पुत्र है? केस भगवान हिंदू धर्म की आलोचना में किताबें लिखते रहे कि कैसे हिंदू धर्म ने दलितों, स्त्रियों को, शूद्रों को रखा, उसके बारे में किताबें लिखते रहे, इसलिए हिटलिस्ट में उसका सबसे पहला नाम था। और आज की तारीख में इस हिटलिस्ट में तमाम सारे नाम जुड़ गए। जब हम लोग छोटे थे, जब नक्सलवाड़ी का आंदोलन चल रहा था, तो हिटलिस्ट की बात सुनाई देती थी कि वहां पर नक्सलवाड़ी में जो लोग लड़ रहे हैं उनके नाम की हिटलिस्ट जारी हुई। थोड़े जवान हुए, थोड़ा राजनीति समझने लगे तो खालिस्तानियों का आंदोलन चल रहा था, तो दोनों तरफ की हिटलिस्ट, खालिस्तानियों की अपनी हिटलिस्ट हुआ करती थी जिसमें कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के निशाने पर रहते थे और पुलिस की हिटलिस्ट थी। आज की तारीख में, और वो कम से कम जंगलों में लड़ रहे थे, जो भी कर रहे थे, आज की तारीख में एक नई हिटलिस्ट जारी थी। और इस हिटलिस्ट पर तो तमाम लोगों के नाम है जो संविधान की मर्यादाओं के अंदर काम करने की कोशिश करते हैं, जो लोग विचारों की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, जो कहते हैं कि अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, जो ऐसे तमाम सवालों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के नाम हिटलिस्ट में है। मेरे कई व्यक्तिगत मित्रों के नाम भी हिटलिस्ट में है जो इन सवालों पर लड़ रहे। इतफाक ऐसा है कि वो लोग लड़ रहे हैं, अभी भी उन्होंने झुके नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो चल रहा है मामला, ये ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है, तो और ऐसा माहौल अगर बनाएंगे तो मुल्क का मुस्तकबिल कैसा होगा, मुल्क का भविष्य कैसा होगा। 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने का जो सपना दिखाया जा रहा, बेचा जा रहा है, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। और एक तरह से हम भारत 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 की शक्ल सूरत अपने पड़ोसी मुल्कों जैसी हो रही है। बांग्लादेश में पिछले 2-3 साल में कितने सारे ब्लॉगर्स मारे गए, बस ब्लॉगर इसलिए मारे गए क्योंकि वो लिख रहे थे, वो धर्म की आलोचना कर रहे थे, वो फासिस्ट तत्वों की आलोचना कर रहे थे, ब्लॉग लिख रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। और बांग्लादेश की हुकूमत ने कहा है कि हम आपको बचाव नहीं कर सकते, आप अपने खुद जान बचा लीजिएगा, हम नहीं बचा सकते आप। पाकिस्तान में भी वही उसी तरह का हाल है। सलमान तासिर पंजाब के गवर्नर इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने धर्मांधों का विरोध किया, धर्म का राजनीति में जो अर्जित किया जाता, लाक्षवी का जो कानून था उसका विरोध किया था, गवर्नर थे। और आज की तारीख में सलमान तासिर को मारने वाला वहां पर हीरो है मलिक कादरी, उसको सजाए मौत हो चुकी है, लेकिन कोई पंजाब पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत उसको सजाए मौत नहीं दे सकती क्योंकि हजारों की तादाद में जब अदालत में पहुंचाया गया था मलिक कादरी, तो उस पर गुलाबों की पंखुड़ियां बकराई बरसाई गई। जिस तरह हमारे देश में जब ये मालेगांव बॉम्बर्स पहुंचे थे पुणे और नासिक की अदालत में, मालेगांव बॉम्बर्स ये पूरी तो तमाम उनका जो गैंग था टेरर गैंग,
तो वहां पर गुलामों की बंकरे यहां पर भी बरसाई है। तो एक तरह से भारत को पाकिस्तान की इमेज बिठाया जा रहा है, एक तरह से भारत को बांग्लादेश की इमेज बिठाया जा रहा है, और जो 60-70 साल बहुत मेहनत मशक्कत के साथ भारत की शक्ल सूरत बनी है, बहुत सारी समस्याएं हैं उसको एक तरह से भारत को नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है। और मुझे ये जो विभागों पर जो बंदिशें लगाई जा रही है, मुझे मेरी दूसरी चिंता भी है। देखिए, हम लोग बहुत आत्मबुद्ध समाज है, बहुत आत्मबुद्ध। मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज में नेहरू लिखते हैं पहले पेज पे किस्सा, कितने आत्मबुद्ध हम लोग हैं। यूएस सन जो चाइनीज यात्री हैं, वो जो भारत में पूरा भ्रमण किए थे, तो जगह जगह लोगों से मिले थे, तो भागलपुर में उनकी एक मुलाकात एक विद्वान से हुई। उस विद्वान का नाम था कर्ण सुकर्ण। कर्ण सुकर्ण का उल्लेख ज्वेल सेन ने अपने किताब रचनाओं में लेखन में किया, तो निश्चित तौर पर कर्ण सुकर्ण बड़ा विद्वान रहा। लेकिन कर्ण सुकर्ण का जो पहनावा था बड़ा विचित्र किस्म का पहनावा था। तो ज्वेल सेन लिखते हैं कि उसने अपने पेट में पट्टियां बांधी हुई थी और सर में एक टोपा लगाया हुआ था, उसमें मशाल लगी हुई थी। तो ज्वेल सेन ने उसको पूछा कि भाई महोदय, आपको ये क्या पहना है, ये ऐसा पहनावा क्यों? नहीं, बोले मेरा ज्ञान इतना फटा जा रहा है तो इसीलिए मैंने ये बंधा हुआ है, और ये मशाल किसकी? बोले समाज अंधेरे में है, उस समाज को मैं रोशनी दिखाना चाहूंगा। ये ज्वेल सेन का किसी हम लोग बहुत सारे मामलों में आज भी वही कर्ण सुकर्ण की मानसिकता है। आप बुरा ना मानिए भारतीयों का, अगर आप में भारतीयों का अभिमान, तो हम लोग उसी तरह का आत्मबुद्ध समाज है। अभी चंद रोज पहले नहीं कहना चाहूंगा, मीरा रंजा ने उसका उल्लेख किया, 2007 का प्यू रिसर्च सेंटर का उल्लेख सर्वेक्षण। प्यू रिसर्च सेंटर एक कमाल पूछा था, जो प्यू रिसर्च सेंटर बहुत जानी मानी संस्था है, सर्वे तमाम तरह की सर्वे करती रहती है, जिसमें उसने सर्वे किया, जिसे सर्वे में सवाल पूछा गया कि सवाल यही था, वो साधारण था कि हमारी संस्कृति बड़ी अच्छी है लेकिन हमारे अंदर कोई कमी नहीं, इस तरह का सवाल था, मतलब हम लोग सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र की बात करें। तो भारतीयों का जो 95% भारतीयों ने कहा कि हम लोग तो बड़े अच्छे हैं लेकिन हमारी संस्कृति में कुछ खराबियां हो सकती है, हम सर्वोत्कृष्ट अच्छे हैं। और सबसे नीचे में 55% हो, मतलब मुझे लगा कि अमरीकी लोग बहुत ही हीन भावना से अपने बारे में दर्शन, क्योंकि 55% अमरीकियों ने कहा कि हम लोग सर्वोत्कृष्ट, इस तरह की बात है। तो हम लोग कई स्तरों पर इस मामले में आत्मबोध भी पूछे, और अभी चंद रोज पहले, एक महीना पहले का दूसरा सर्वेक्षण है कि इसमें हम लोग भारतीयों के बारे में बांधकर भारतीयों की जानकारी के स्तर के बारे में पूछा गया था, और कहा लिखा गया था कि इग्नोरेंट दुनिया में सेकंड नंबर पे इग्नोरेंट देशों में हम लोग। चलिए साहब, आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि साहब आप विदेशी संस्थाओं के सर्वेक्षण पर क्यों यकीन करते, तो मैं अपना यहां का डाटा दे दूंगा। एक सर्वेक्षण होता है जिसको कहा जाता है कि दुनिया की शैक्षिक संस्थाओं का सर्वेक्षण होता है, जिसको शांघाई इंडेक्स या कुछ इंडेक्स, और जिसमें भारत के तमाम सारे अव्वल संस्थाओं में से एक भी संस्थान होता नहीं है, और कभी कभार कोई IIT कोई इंडियन संस्थान पहुंच जाती है तो पूरा हेडलाइंस बन जाती है, देखिए सामने में 200 संस्थानों में हमारा एक संस्थान जरूर, और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से वो तय करते हैं भाई आपके साइटेशन क्या है, क्या उसका तरीका ये। तो मेरी चिंता ये है कि ये जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है, दिमाग मुकुंद करने का माहौल, पहले से आत्मबुद्ध समाज हम लोग कर रहा है, और ये क्या क्या गुड़ खिला सकता है, और ये आत्मबुद्धता है जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों में तो और ज्यादा खिल कर दिखती है। अभी पिछले साल नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे वजीर आजम, वो पिछले साल गए थे अंबानी के अस्पताल के उद्घाटन के लिए, तो उन्होंने कहा, दावा किया उनका बात, उनको आपने सुना ही हुआ कि मैं थोड़ा सुनाना चाहूंगा। हम लोग, ये उनके शब्द हैं, हम लोग अपने मुल्क पर गर्व कर सकते हैं कि किसी दौर में हमारे मुल्क के चिकित्सा विज्ञान में कितना हासिल किया था। हम सभी महाभारत के कारण के बारे में पढ़ते हैं, अगर हम गहराई में जाकर सोचें तो हमें पता चलता है कि महाभारत के मुताबिक कर्ण अपनी मां के कोख के बाहर जन्मा था। इसका मतलब था कि जैविक विज्ञान उस वक्त अस्तित्व में था, यही वजह थी
कि कर्ण अपने माँ के कोख से बाहर जन्मा। हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, निश्चित ही उस वक्त कोई प्लास्टिक सर्जन रहा होगा जिसने मानवीय शरीर पर हाथी का दर लगा दिया होगा और इस तरह प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की होगी। कहा तो होना ही चाहिए था कि इस बयान की सार्वजनिक तौर पर निंदा होती कि आपको साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट नहीं करना पड़ना पड़ेगा। लेकिन बुद्धिजीवियों के एक बड़े हिस्से में जैसा आलम है, सब लोगों ने खामोशी बरती और कैंपिन और फिर अगले दिन कुछ माह पहले अभी उन्होंने नया बात छेड़ी थी, आप लोगों की गौर होना चाहिए, आजकल क्लाइमेट चेंज वाली की बात चलती रहती है, वो उन्होंने कहा कि ज्ञान का मोती उठा सुनी थी। वेदों ने न केवल पर्यावरण की समस्याओं पर बात की और उसके समाधान भी किया। यह कैसे युग में हुआ जबकि किसी ने पर्यावरण दोहन के बारे में सोचा था नहीं था। ये जनाब मोदी है, टाइम्स ऑफ इंडिया 26 के जैसा माहौल बन रहा है इसमें वामपंथी लोग नहीं, हम लोग तो वामपंथी चलिए बदनाम पुराने बदनाम लोग, लेकिन जो बुद्धिजीवी आम बुद्धिजीवी जो किसी धारा के साथ जुड़ा नहीं उसको भारत के भविष्य के बारे में चिंता होनी चाहिए, जो वाजिब चिंता है। रामचंद्र बुआ ने एक कुछ महीना पहले आर्टिकल लिखा था, कुछ शाम कुछ हफ्ता पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग अब तक इतिहास के सबसे अधिक बुद्धिजीवी विरोधी हुकूमत का हम लोग सामना कर रहे हैं। और प्रोफेसर संजय सुब्रमण्यम जो नवाम ने दक्षिण खेमे से जुड़े ग्राम में जाते हैं, उनका कहना था कि दिस गवर्नमेंट सफर्स फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डेफिसिट। और उनका जो इंटरव्यू था आप में से अभी 20 दिसंबर को आया था, पढ़ा होगा, वो कहते हैं कि भाई जो उन्होंने जो भारत की स्थिति बनाई जा रही है जिसके बारे में कहा कि कैसे कैसा माहौल बन रहा है कि असली व्यक्ति कुछ कह नहीं सकता। अगर आप कुछ कहना चाहें, अगर आप क्रिटिकली कुछ कहना चाहें तो आपके खिलाफ इतना जहर उगला जाएगा, अच्छा बनावों से आप किसी के खिलाफ कुछ भी जहर उगल सकते हैं। उनका कहना था कि सब्सिडी समाज के बौद्धिक दिवालियापन की दोतक है और हम हमारे कायरों के समाज में तब्दील होने की निशानी है। संजय सुब्रमण्यम से मेरी परेशानी इस वजह से भी है कि ये जो माहौल है जिसमें तर्क को आस्था के माध्यम करने की कोशिश की जा रही है, एक तरह आधुनिकता पर आक्रमण है, आधुनिकता के तमाम मूल्य सकारात्मक मूल्य उस पर आक्रमण है। आधुनिकता ने जो हमें पॉजिटिव दिए जो सिखाया था, मुझे एक किस्सा हमेशा याद आता है जो मैं जरूर साझा करना चाहूंगा। ये एक किस्सा है वोल्टेयर का किस्सा है। वोल्टेयर के सामने एक मसला आया जिसमें कुविले नाम का व्यक्ति था और चर्च ने उसको सजा दी थी। चर्च ने सजा इसलिए दी थी उसको क्योंकि वो चर्च के नियमों के हिसाब से उसने कोट अनकोट अनैतिक आचरण किया था, जैसे किया। तो वोल्टेयर ने चर्च के इस आज्ञा के खिलाफ बगावत की, उन्होंने विरोध किया कि ये चर्च को अधिकार ही नहीं, चर्च ऐसे कैसे कर सकता है, किसी को दंडित कैसे कर सकता है। वोल्टेयर का था फ्रांस के तमाम सारे बुद्धिजीवियों ने दार्शनिकों ने दिया और चर्च को अपना न केवल अपना आदेश वापस लेना पड़ा बल्कि ये धाराएं खारिज करनी पड़ी अपने संविधान अपने अपने नियमों से। और ये आज से लगभग 250 साल पहले की बात है। तो ये जो पूरा माहौल है ये हमारे प्रश्न उठाने की जो सवाल है उस पर ये कर रहा है। मेरी चिंता इस वजह से भी है कि सियासत और मजहब का जो खतरनाक माहौल खतरनाक संस्कृत मिक्सर बनाया जा रहा है यहां पर, धर्मनिरपेक्षता का दबाव ये भी विश्व हुकूमत में हम लोग देख रहे हैं। एक जमाना था कि धर्म जब भी सेकुलर की बात होती थी तो 80s 90s में छत धर्मनिरपेक्ष उड़ाया जाता था, मतलब पूरी सेकुलर की जो अवधारणा है उसको सेकुलर कहते थे, डिस्क्रेडिट किया जाता था। आजकल उन्होंने अपनी चाल बदली है, जनाब मोदी जब संसद में कहते हैं तो सेकुलरिज्म इज इंडिया फर्स्ट कहते हैं और जब विदेश चले जाते हैं तो सेकुलरिज्म का मजाक उड़ाते हैं। और ये मुझे तो मैं कभी सोचने की मैंने तमाम जानकारों से कोशिश